हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और ये है मेरे पास रेडमी नोट 7 और आज इसको रीसेट करने वाले हैं फैक्ट्री रीसेट। तो अगर आपके पास भी है रेडमी नोट 7 तो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये फ़ोन हैंग करने लगा है तो इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि रेडमी नोट 7 फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले बैकअप कर लेना है, अपने फ़ोन का बैकअप ले लेना है। तो आपको अपने जीमेल में बैकअप ले लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पे अबाउट में आ जाना है फ़ोन के सेटिंग में। उसके बाद यहाँ आप नीचे देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, जिसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैकअप ले लेना है। देख सकते हैं यहाँ मेरा बैकअप ऑन है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सारा कुछ बैकअप ऑन रखा हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ गूगल अकाउंट, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से भी आपको बैकअप ऑन रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी मेरा बैकअप सारा बैकअप ऑन है। तो यहाँ सारा कुछ मैं बैकअप ले लिया हूँ। बैकअप लिए हुए देख सकते हैं मेरा 33 मिनट्स हो रहा है। तो चलिए अब फ़ोन को रीसेट करते हैं। तो आपको फ़ोन को रीसेट करने के लिए फिर से आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको फिर से अबाउट में आ जाना है। अबाउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ आ जाता है, क्या क्या आपका इरेज होगा, रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं गूगल अकाउंट रीसेट होगा और यहाँ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फ़ोटो एंड ऐप्स बैकअप वगैरह आप ले लेना है। तो यहाँ सारा कुछ बता दिया है कि क्या क्या आपका इरेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी लॉक लगाया रहेगा तो वो आपको यहाँ डाल देना है। तो लॉक डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं सेकंड बता रहा है, इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है सेकंड पूरा होने के बाद। तो ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं रिफ्रेश होने लगा है, तो यहाँ रीसेट होना स्टार्ट हो गया है रेडमी नोट 7। देख सकते हैं रेडमी लिख के आ गया है, अभी रीसेट प्रोसेसिंग हो रहा है अभी पूरा अच्छी तरह से। तो यहाँ MIUI लिख के आ गया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं MIUI 12 लिख के आ गया है और यहाँ आपको सेटअप करने का रहेगा। तो यहाँ से आपको सेटअप कर लेना है सबसे पहले, तो इसे आपको सेटअप कर लेना है। तो फ्रेंड्स रेडमी नोट 7 फैक्ट्री रीसेट पूरा कंप्लीट हो गया और इसको सेटअप भी कर दिया है पूरा कंप्लीट तरह से। तो ऐसे ही आप रेडमी नोट 7 को रीसेट कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।